आज पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन की बैठक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण के विश्राम गिरी चंबा में अध्यक्ष मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सरकार के द्वारा हिमाचल पथ परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए सरकार के प्रति भारी रोष प्रकट किया गया। काफी लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी वित्तीय लाभ जारी करने की गुहार लगा रहे हैं, परंतु सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो HRTC में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मिलकर वह आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन के महासचिव कुलदीप कुमार ने बताया कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी की वित्तीय लाभ जारी करने के प्रति गंभीर नहीं दिख रही, यहां तक कि सरकार बात तक नहीं करना चाहती। अन्य विभाग को पेंशन जारी कर दी है, परंतु निगम कर्मचारी ने रात दिन मेहनत करके निगम में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनको पेंशन देने में सरकार आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब सेवानिवृत्त कर्मचारी ने भी नियमित कर्मचारी के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और सरकार की होगी। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। आज की डेट में अगर कोई शोषित है तो मैं समझता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी, चाहे नियमित हो चाहे पेंशनर हो, क्योंकि पेंशनरों को जो है आज 11 तारीख हो गई है, सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमें पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अपने कई बार हम जो हैं सरकार को, प्रबंधन को जो है लिखित तौर पर दे चुके हैं कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति लगभग जो है ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हमारे साथी जो 10 साल से रिटायर हुए हैं, कोई 15 साल से रिटायर हुए हैं, आज वो बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसी आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो चुकी है, उनको अपने इलाज के लिए भी पैसे जो है नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो है मेडिकल जो बिल है, हमने दो दो सालों से जो है मेडिकल बिल जो है अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए हैं, लेकिन दो साल से जो है हमें वो भुगतान नहीं हो रहा है, और उस वजह से जो है हमारे जो साथी हैं जो आज ऐसी दशा में हैं, जिन्होंने इस निगम के पहिए को चलाने के लिए रात दिन एक की हुई है, आज वो अपने पैसे लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेडिकल बिल ना मिलने के कारण वो अपना इलाज जो है वो नहीं करा रहे हैं। हमारी कई डिमांडें ऐसी हैं, जैसे कई लोग जो हैं हमारे डेढ़ डेढ़ साल हो गया सेवानिवृत्त हुए हुए हैं, आज उनको जो है ना तो उनको ग्रेजुटी मिल रही है, ना लीव इन कैश मिल रहा है। सरकार जो है निगम के प्रति बिल्कुल जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमें जो मजबूर होके, हमारे साथियों को मजबूर होकर जो है आज न्यायालय की ओर जाना पड़ रहा है, उसके लिए जो है HRTC को कम से कम भी, मैं ये समझता हूँ कि एक साल में लगभग 50 लाख रुपया जो है ब्याज के रूप में देना पड़ता है, वो दे देते हैं। जो साथी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय में जाते हैं उनको ब्याज से दे देते हैं, लेकिन निगम प्रबंधन जो है या सरकार जो है हमें रूटीन में जो है वो पैसे जो है, चाहे लीव इनकैशमेंट हो, ग्रेजुटी हो, कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भले ही ऐसे लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या वो जो प्रबंधन में जो कार्य कर रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच है। कम से कम 50 लाख जो है वो जो है ब्याज सहित जो है न्यायालय के आदेश होने के बाद ब्याज सहित जो देने के लिए तैयार है, परंतु ऐसे जो है वो पैसे जो है देने में जो आनाकानी करते हैं। आगे कार्यवाही ये है हमारी कि हम जो HRTC में जो JCC कार्य कर रही है, उन्होंने एक डिमांड चार्टर जो सरकार को और प्रबंधन को दिया हुआ है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को माना जाए, जैसे मेडिकल बिलों का भुगतान है, 65-75 का जो है पेंशन में वृद्धि का है, ग्रेजुटी लीव इन कैशमेंट है, और पेंशन जो है हमें जो टाइम से दी जाए। अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हमने जो है अपने जो रेगुलर कर्मचारी, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके साथ जो है हमने भी अपना डिमांड चार्टर जो है दे दिया है। हम उन नियमित कर्मचारियों के साथ जो है मिलके जो है एक बड़े आंदोलन की ओर जा रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो सरकार और प्रबंधन की होगी, और 14 तारीख को जो है हमारा जो है ये इस स्तर में जो है पहला जो है ये गेट मीटिंग का आयोजन जो है मुख्य जो हमारे कर्मशाला है या कोई बस स्टैंड है, वहाँ पे जो हमारी गेट मीटिंग के माध्यम से जो है हम जो है अपने आंदोलन की जो है शुरुआत करेंगे। अगर ये नहीं मानती हैं तो हमारा जो है एक आंदोलन जो है बड़े
आंदोलन की ओर जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी मैं ये कहूँगा कि सरकार और प्रबंधन की होगी। यार आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावड़ा दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहाँ मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावड़ा दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। बाकी ना को किटी हॉल भी अवेलेबल है, जिथे अपनी छोटी मोटी पार्टीज या किटी पार्टी जी ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। लोकेशन है चावड़ा दिल्ली वाला, फर्स्ट फ्लोर, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट।